हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन देखने वाले हैं रिएक्ट के अंदर फॉर्म हैंडलिंग के बारे में। अगर आप ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा किस तरीके से अपन रिएक्ट के अंदर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसको कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो यही सब चीज़ अपन इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि अपन आज के जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं उससे फाइनल क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते, मैं एक फॉर्म क्रिएट कर रखा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले पा रहा हूँ, पासवर्ड यहाँ पर मैं सेट कर पा रहा हूँ, सिटी नेम यहाँ पर मैं यूजर से ले पा रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं जैसे सबमिट डेटा पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड में मेरा एक स्टेट वेरिएबल में एज एन ऑब्जेक्ट इस तरीके से मेरे पास ये डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें अपन देखने वाले हमारे इस लोकल सिस्टम में देखने वाले। अगर मान लीजिए आपको ये डेटा किसी फायरबेस में या कहीं भी अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना, वो भी आप करवा सकते हो। लेकिन इस वीडियो में अपन सिंपल यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल में इसको स्टोर करवाने वाले। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट देखने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग के बारे में। तो अगर आपको फॉर्म हैंडलिंग पूरा कंप्लीट सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर एंड तक देखते रहिएगा। ओके, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने ऐड कर दिए हैं रिएक्ट के अंदर। अगर आप रिएक्ट जेएस सीखना चाह रहे हो तो मैंने पूरा क्या करा है, रिएक्ट पे कंप्लीट बेसिक्स को कवर कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो सेकंड चैनल है कोडिंग मोंक, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो बस गाइस यही था अपना सिंपल सा इसके बारे में। और अब चलते हमारे आज के वीडियो टॉपिक जिसमें अपन क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक ये सिंपल सा बेसिक सा क्या क्रिएट करेंगे, एक ये अपना रिएक्ट के अंदर फॉर्म क्रिएट करने वाला है और इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे मैंने जो भी कोड कर रखा है उसको यहाँ से मैं रिमूव करने वाला हूँ। मेरी app.js फाइल के अंदर यहाँ मैं सिंपल से कर रखा हूँ, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल जो भी इसको मैं रिमूव ही करने वाला हूँ ना, तो ये अभी मेरा डिलीट हो रहा है फाइल, तो तब तक हमें वेट करना होगा। तो इतना आज डिलीट होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसके अंदर जो भी कोड है ना उसी को यहाँ मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ओके, अब ये मेरा डिलीट भी हो चुका है। तो मेरे को वापस से app.js फाइल क्रिएट करनी होगी, app.js यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल RFC टाइप करने वाला हूँ, ठीक है। RFC यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करूँगा ना, फिर एंटर हिट करता हूँ, तो मेरे पास एक रिएक्ट का बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि रिएक्ट का बॉयलरप्लेट कोड किस तरीके से आता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपल आपको एक्सटेंशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल रिएक्ट ES7 आपको सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे रिएक्ट ES7 सर्च करेंगे तो एक ये हमारी एक्सटेंशन होती है, इसकी हेल्प से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्ट के अंदर बॉयलरप्लेट कोड ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मैं स्टाइलिंग के लिए मतलब लेआउट क्रिएट करूँगा, उसके स्टाइलिंग के लिए मैंने पहले से ही बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऐड कर रखी है मेरी index.html फाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल इंक्लूड कर रखी है और इसके साथ साथ जो इसका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। तो आप सबसे पहले कोई भी स्टाइलिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज करनी है तो आप इसकी सिंपल ये जो इसके CDN के लिंक है वो सिंपली ऐड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, फॉर्म का लेआउट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्म का एक लेआउट होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप का ही यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से मेरी getbootstrap.com पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद एक फॉर्म प्रोवाइड किया गया है, उसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और मेरे फॉर्म के अंदर होने वाला है एक चीज लेआउट करें, इसके अंदर मेरा एक फॉर्म का लेआउट होगा, उसी को मैं सिंपल यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मैं खुद से कस्टम नहीं बनाने वाला यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला मेरा एक फॉर्म का लेआउट है ग्रिड सिस्टम की हेल्प से। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस चीज को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसके अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर रैप करते हैं इसको। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे सेट करनी होगी। तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देता हूँ और फॉर्मेट करने के बाद सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, जो इसका क्लास नेम दे रखा है ना, इसको मेरे को रिप्लेस करना होगा क्लास नेम से, रिप्लेस करना होगा क्लास को, मेरे को क्लास नेम से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि जो हमारा क्लास होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजल्ट कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब इसके बाद मेरे को क्या करना होगा, जो भी मेरे इनपुट एरियाज है ना उसको मेरे को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो वो मैं किस तरीके से क्लोज करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको मैन्युअली क्लोज करने वाला हूँ, लेकिन जो मेरे को फील्ड नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को एक एड्रेस टू का ये मेरे को फील्ड नहीं चाहिए, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसके साथ साथ सिटी का मैं रखने वाला हूँ, स्टेट का भी मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसका भी मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, और इसके साथ मेरे को जिप कोड हो गया, ये भी मेरे को चाहिएगा, और ये चेक मी आउट इसको भी अपन यहाँ पे रखने वाले हैं, तो इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इनपुट एरिया को सभी को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज किया और इस वाले इनपुट एरिया को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं और इस वाले इनपुट एरिया को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। ओके, और इसके साथ साथ जो मेरा पासवर्ड का इनपुट एरिया है उसको भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
और इसके साथ जो मेरा ईमेल का इसको भी क्लोज करते हैं। अब मैं अपने पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लोमेट सर्वर पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे लेआउट आ चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक कंटेनर के अंदर रैप करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रैप करने वाला हूँ कॉन्टेनर के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, एक तो सबसे पहले कॉन्टेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कॉन्टेनर। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेज है, अगर आपको बूटस्ट्रैप थोड़ा बहुत आइडिया है तब आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे मैं रो क्रिएट करने वाला हूँ रो, और इसके अंदर यहाँ मैं कॉल फोर करके एक चीज़ बनाने वाला हूँ, कॉल फोर करके। और इसके अंदर जो मेरा फॉर्म होने वाला ना उसको यहाँ मैं रैप करने वाला हूँ पूरा कंप्लीट फॉर्म को। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके और इसके मेरे कॉलम के अंदर यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो इसका कंटेनर है ना इसको यहाँ मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, MI5 का। और अब मैं पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लोमेट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से लेआउट आ चुका है, लेकिन ये मेरा कॉल 4 में मैंने इसको गलत कर दिया, इसे हम इसको कॉल 6 के अंदर इसको रैप करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कॉल 6 कर देता हूँ और अब मैं पेज को सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास अब थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरा फॉर्म इतना ठीक लगने लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म का लेआउट के बारे में। अब अपन जो मतलब ये तो हमारा बेसिक चीज थी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे बोल रहा है कि 4 की जगह आपको HTML4 यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको जो 4 है मेरा फॉर्म के अंदर उसकी जगह यहाँ पर मैं HTML4 यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 4 के अंदर आता हूँ इस तरीके से, और इसकी जगह यहाँ पर मेरे को सिंपल रिप्लेस करना होगा HTML4। ओके, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया HTML4, और इसके आगे इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं पेज को सेव करता हूँ, वापस से मैं डिप्लोमेट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ पहले, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो ये मेरा चीजें कवर हो चुकी है, ये अपन बेसिक सा क्या करें लेआउट क्रिएट कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं इसको कॉल 6 की बजाय यहाँ पे इसको 9 कर देता हूँ, तो आई थिंक ये बेटर रहेगा। ओके, अब ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ठीक लगने लगा, ठीक है। ये मेरा बेसिक सा लेआउट हो गया। अब हम चलने वाले रिएक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं स्टेट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ हर एक इनपुट फील्ड के लिए। आप चाहो तो किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं अलग अलग बनाने वाला हूँ, क्योंकि अपन यहाँ पे बेसिक ही चीजें देख रहे हैं ना। यहाँ मैं सभी के लिए एक अलग से स्टेट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट हुक को सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेता हूँ, यूज स्टेट हुक। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉन्स्ट इस तरीके से आप इसको डिफाइन करने वाला हूँ यूज स्टेट हुक को, और जो इसका इनिशियली वैल्यू रखने वाले हैं इसको भी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन देख रहे होंगे नेम के लिए देख रहे होंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ मैं सेट नेम करता हूँ, ठीक है, नेम। और अब मैं अभी क्या करने वाला हूँ, सेट नेम के अंदर नहीं, सबसे पहले अपन वापस से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे को ईमेल के लिए बोल रहा है, तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक ईमेल के लिए बनाऊंगा और उसके साथ साथ मैं पासवर्ड वगैरह के लिए बना रहा हूँ, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सेट ईमेल करते हैं, ठीक है, सेट ईमेल के लिए करते हैं इस तरीके से ईमेल। और इसके अंदर कोई भी अपन यहाँ पे ईमेल ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे demo@gmail.com। ओके, ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो इसका इनपुट फील्ड है ना उसके अंदर यहाँ आता हूँ मेरा इनपुट एरिया के अंदर। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यू के अंदर ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे सिंपल जो मेरा ईमेल है वो मैंने ऐड किया है वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और वापस से मैं डिप्लोमेट सर्वर पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे इनपुट एरिया वाले फील्ड में मेरा तो ईमेल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए मेरे को एक एरर शो कर रहा है। एरर में मेरे को बोल रहा है कि आप डायरेक्टली इस तरीके से आप बिना ऑन चेंज हैंडलर के आप ये वाली चीज़ें नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या यूज करना होगा, ऑन चेंज हैंडलर यूज करना होगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब भी अपन ऑन चेंज हैंडलर यहाँ पर यूज करते हैं, तो जैसे मान लिया हमारे इनपुट एरिया के अंदर कुछ भी चेंज होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपन सिंपल क्या करते हैं, जो भी इसके इनपुट एरिया के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह हो रहा होगा उसको हम अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं वापस से अपने VS Code एडिटर में आता हूँ। VS Code एडिटर में आने के बाद सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, ऑन चेंज ऐड करना होगा, एक तो ऑन चेंज ऐड करना होगा इस तरीके से। और मैं आपको शो करता हूँ कि हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट में एक्चुअली क्या आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चेंज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, चेंज मेल करके यहाँ पे इसको बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ, चेंज ईमेल, ठीक है। तो और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऊपर डिफाइन करने वाला हूँ, और फिर बाद में इसको यहाँ पे नीचे डिफाइन कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, और जो मैंने कॉपी किया वो इसको एरो फंक्शन की हेल्प से इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया जब भी अपन क्या करेंगे, ऑन चेंज इसमें इनपुट एरिया में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा। तो वो मैं आपको शो करता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली इवेंट ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ आ रही होती है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग इवेंट ऑब्जेक्ट। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ और वापस से मेरे डिप्लोमेट सर्वर पे चलते हैं। और अब मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही अब मैं इनपुट एरिया के अंदर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आया है।
इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें होने वाली है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे आप देखिएगा इवेंट के अंदर टारगेट होने वाला, वो टारगेट के अंदर मेरे पास क्या होने वाला है, एक वैल्यू होने वाला है, तो हमारी यही चीज काम की होने वाली है। तो अपन सिंपल क्या करेंगे, जो अपन यूज स्टेट हुक इंपोर्ट किया है उसकी हेल्प से जो भी मेरा इनपुट एरिया के अंदर चीजें है उसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इस चीज को यहाँ पर नहीं करने वाला, वहीं पर मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मेरा इनपुट एरिया के अंदर है ऑन चेंज, इसके अंदर ही इसको एड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, इस तरीके से मैं एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करूंगा इवेंट ऑब्जेक्ट, और अब जो मेरा सेट ईमेल है, ठीक है, इस तरीके से मैं ऐड कर देता हूं, जो मेरा सेट ईमेल है उसके अंदर मैं यहां पे सिंपल इसको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले क्या होने वाला, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से होने वाला है। अगर मैं अब पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डेवलपमेंट सर्वर पे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ईमेल ऐड कर पा रहा हूँ, मेरा कुछ भी नेम होगा लाइक @gmail.com करके, तो वो भी मैं यहाँ पे इजिली कर पा रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया होगा इवेंट हैंडलिंग के बारे में, मतलब अपन किस तरीके से इनपुट एरिया के अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जल्दी से जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं उन सभी के लिए यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इनको इंपोर्ट करना होगा, यूज स्टेट हुक को, इन वगैरह को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले मेरा होने वाला ईमेल के लिए, उसके बाद यहाँ मेरा होने वाला पासवर्ड के लिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ मैं क्या करूँगा, सेट पासवर्ड कर दूंगा इसको, सेट पासवर्ड। ओके, यहाँ मैं इसको पासवर्ड बनाने वाला हूँ। और इसके साथ जो मेरा लास्ट सेकंड लास्ट जो होने वाला है वो मैंने किसके लिए क्रिएट किया था, मैंने क्रिएट किया था सिटी नेम के लिए। तो यहाँ मैं सिटी कर दूंगा और इसको यहाँ मैं ऐड कर दूंगा सेट सिटी। ठीक है, इस तरीके से सेट सिटी। और इसके बाद यहाँ पे मेरा किसके लिए था, जिप कोड के लिए था, तो यहाँ पे मैं जिप कोड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सेट जिप कोड। ओके, और इसके बाद जो मेरी ये वाली चीज़ें होने वाले, इसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड के अंदर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ लाइक 123 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और सिटी के अंदर यहाँ पे मैं इनिशियली वैल्यू जो इसका लेने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ जयपुर। ओके, जयपुर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जयपुर। और जो इसका जिप कोड है वो यहाँ पे मैं सिंपल कुछ भी ले सकता हूँ लाइक 123456। ओके, ये मेरी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मेरे को क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट एरिया के अंदर मतलब जो मेरे ईमेल के लिए मैंने किया था वही चीज़ मेरे को यहाँ पे वापस से ऐड करनी होगी। तो मैं सभी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वैल्यू को, पूरे वैल्यू को ही कॉपी कर लेता हूँ। और वैल्यू को कॉपी करने के बाद यहाँ मैं सिंपल यहाँ तक कॉपी करता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सभी इनपुट एरिया के अंदर यहाँ पे मैं चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इस तरीके से करता हूँ, और जो मेरा पासवर्ड है इसकी जगह मेरे को जिप कोड ऐड करना होगा, और जो मेरा सेट पासवर्ड है उसकी जगह मेरे को सेट जिप करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लोमेंट सर्वर पे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा मैं हर एक इनपुट एरिया में चेंज कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको क्लियर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा मैं हर एक इनपुट एरिया में चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं जयपुर में कुछ ऐड कर पा रहा हूँ, मेरे जिप कोड में ऐड कर पा रहा हूँ। तो ये तो हो गया कि अपन यहाँ पे यूजर से इनपुट ले चुके हैं। अगर आपको मैं एक चीज शो करूँ, तो यहाँ मैंने क्या कर रखा है, अपने क्रोम ब्राउजर में जो हमारा रिएक्ट का डेवलपर टूल होता है उसको यहाँ पे ऑन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास जो मैंने स्टेट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए, चार मैंने स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर क्या होने वाला है, हर एक स्टेट वेरिएबल के अंदर यहाँ पे मेरे पास स्टोर हो चुकी चीजें, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा, मैं यूजर से इनपुट ले चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, जो मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ मैं सबमिट वाले साइन इन वाले बटन पर क्लिक करूँ, तो जो मेरे डेटा होने वाला है यूजर का वो कहीं पर स्टोर हो जाए। अगर अपन ये सिंपल मान लीजिए अपन किसी फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, फायरबेस वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारे पे डेटा होने वाला है जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो मेरा फायरबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो ये तो अपन फायरबेस तो नहीं देख रहे, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूंगा ना कहीं मेरा डेटा स्टोर होना चाहिए, जैसे कोई साइन इन पे क्लिक करे और उसके बाद जो मेरे इनपुट एरियाज है वो मेरे क्लियर हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या होने वाला है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो एक एरे के अंदर होने वाला है। वो किस तरीके से करेंगे, तो मैं वापस अपने वीएस कोड एडिटर में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं साइन की जगह करता हूँ सबमिट डेटा करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे सबमिट डेटा, ठीक है, सबमिट, और इसके अंदर यहाँ मैंने फॉर्म ऐड कर रखा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मेरा फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर होने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे ऑन सबमिट ऐड कर दूंगा, तो मेरा जैसे फॉर्म सबमिट होगा तब मेरा ये यहाँ पे ये वाली चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट डेटा करके यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से सबमिट डेटा। तो जैसे अपन सबमिट डेटा करते हैं तो तब भी हमारे पास क्या आता है, इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा हो। तो यहाँ मैं इसको डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन की हेल्प इसको डिफाइन कर रहे हैं सबमिट डेटा, और इसको भी एक एरो फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक इस तरीके से इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं आपको शो करता हूँ कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट इसी तरीके से रखते हैं, नहीं इसको यहाँ पे सबमिट करते हैं ना, सबमिट। और अब मैं पेज को सेव करता हूँ और वापस से मेरे डिप्लोमेंट सर्वर पे चलते हैं, और अब मैं यहाँ पे कंसोल पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा फिर आप कंसोल को देखिएगा। तो जैसे मैं आप सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा आ रहा है, कंसोल पे आ रहा है, लेकिन मेरा पेज रिलोड हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा डेटा मतलब यहाँ पे स्टोर नहीं हो पा रहा है।
तो ये वाली चीज अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है जो हमारा एचटीएमएल फॉर्म होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक्शन होता है। इसको सबसे पहले अपन क्या करना होगा, इसको मेरे को ब्लॉक करना होगा। तो उसके लिए आप मैं यूज करने वाला हूँ इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट को इस तरीके से ये वाली चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपने वापस से वीएस कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करते हैं इस तरीके से। और इवेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल ई सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इस तरीके से, और इसको डिफॉल्ट को इस तरीके से रखेंगे। और अगर मैं अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऐड करूँ ना, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास प्रॉपर वर्क करेगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ऐड करूँ और यहाँ पे फर्स्ट इस तरीके से, तो सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। यार ये ओपन क्यों हो गया, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे सबमिट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते मेरे पास पूरा कंसोल पर मेरा फर्स्ट इस तरीके से आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट के बारे में। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक जो भी मेरे पास, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू यूजर करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू यूजर इस तरीके से। और इसके अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली जो भी मेरे पास ईमेल होने वाली है, पासवर्ड होने वाली है, सिटी होने वाला, वो मेरे पास इस तरीके से स्टोर होने वाला है। तो मैं सिंपल करता हूँ ईमेल के लिए सबसे पहले, और उसके बाद मेरे को पासवर्ड के लिए, और लास्ट में मेरा सेकंड लास्ट में मेरा सिटी के लिए, और लास्ट में मेरा क्या हो जाएगा, जिप कोड के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और स्टोर वेरिएबल मेरे को क्रिएट करना होगा, क्योंकि सभी का स्टोर करवाना है ना मेरे को। तो मैं क्या क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट एक, यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट यहाँ पे वापस से इसको डिफाइन करना होगा। और ये होने वाला है बेसिकली मेरा एक एरे होने वाला है। और एरे के अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पे रखेंगे ओल्ड यूजर करके, ठीक है। ओल्ड यूजर करके मैं इसको बना लेता हूँ इस तरीके से, ओल्ड यूजर, और सेट ओल्ड यूजर, ठीक है, सेट ओल्ड यूजर इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे ही मैं इस पर मेरा कोई बटन पे क्लिक करें ना, तो मेरे पास जो भी यूजर्स का डेटा होने वाला है वो मेरा सेट ऑल यूजर के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेट ऑल यूजर के अंदर यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाला हूँ, ये मैं यहाँ पे न्यू यूजर को इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब मैं इसको न्यू यूजर को इस तरीके से कर देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा। अगर मैं अब पेज को सेव करता हूँ, वापस से मैं डिप्लोमेट सर्वर पर आता हूँ, यहाँ पर मैं देखिएगा मैं कंपोनेंट वाले सेक्शन में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से ऐप में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास पांच स्टेट वेरिएबल बन चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे फाइव नंबर का जो मेरा स्टेट वेरिएबल है उसमें मेरा डेटा स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मेरे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक हो जाए, मेरा फॉर्म फिल हो जाए, मेरे स्टेट वेरिएबल में आ जाए, उसके बाद जो मेरे इनपुट एरियाज है ना वो मेरे एम्प्टी हो जाने चाहिए, क्योंकि मेरा दूसरा यूजर आ रहा है उसके लिए भी मेरे पास इनपुट इनफुल जो मेरे इनपुट फील्ड है वो क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन चीज़ों को जो मैं सेट ईमेल है इन सबको बना दूंगा मैं यहाँ पे, सेट ईमेल का को सेट ईमेल को बना देता हूँ इस तरीके से, एम्प्टी कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, सेट सिटी, ओके। और जो मेरा लास्ट में मेरा बचा हुआ सेट जिप के लिए बचा हुआ वो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना होगा, सेट जिप। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मैं डिप्लोमेट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास क्या होगा, इनपुट एरिया के अंदर जो भी मेरे इनपुट एरिया में फोर स्टेट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए थे वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मेरे को अब वापस से कोई यूजर का नेम भरना होगा, मान लीजिए इस तरीके से demo@gmail.com, इसको डेमो वन कर देते हैं, और पासवर्ड में यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐड कर देता हूँ, सिटी में यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिल्ली ऐड करना था, देखी नहीं, और जिप कोड में भी यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी तक हमारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है, तो मेरे जो फिफ्थ नंबर का स्टेट वेरिएबल है उसमें मेरे पास पहले वाला डेटा स्टोर है। अगर मैं अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरा पहले वाला डेटा रिमूव हो जा रहा है। अगर मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मेरे यूजर्स का डेटा मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा दूसरा यूजर आ रहा है जो उसकी वजह से मेरा पहले वाला डेटा रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज करने वाला, मैं स्प्रेडर ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ से इस तरीके से रखते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा पहले वाला ओल्ड यूजर्स है वो भी मेरे पास इस तरीके से आना चाहिए, और उसके बाद मेरा न्यू यूजर ऐड होना चाहिए। अगर मैं अब पेज को सेव करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक अलग सी चीज़ें बन चुकी है। अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, तो पेज को रिफ्रेश करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास फिफ्थ जो मेरे स्टेट वेरिएबल है फिफ्थ नंबर के, अगर यहाँ मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया है, और वहाँ पे जीरो इंडेक्सेस पे ये वाला ऑब्जेक्ट होने वाला है। अगर मान लीजिए अब मेरे को यहाँ पर मान लीजिए मैं दूसरी ईमेल ऐड कर रहा हूँ, gagan@gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड में यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, और सिटी के अंदर मान लीजिए यहाँ पर मैं दिल्ली ऐड कर देता हूँ, दिल्ली, और अब मैं यहाँ पर जिप कोड के अंदर यहाँ पर कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पहले वाला डेटा भी मेरे पास होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे
जो फिफ्थ नंबर का जो मैंने स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसके अंदर आके मेरा स्टोर हो चुका है। तो इसकी हेल्प से क्या होने वाला है, मेरा पूरा डेटा एकदम स्टोर होके रहने वाला है, इससे मेरा कहीं डेटा जाने वाला नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या किए, सिंपल इसको एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर करवाए। अगर अपन चाहें तो आने वाले वीडियो में अपन देख सकते हैं किस तरीके से फायरबेस में इसको स्टोर करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसमें अपन सिंपल क्या किए, चार स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसी की हेल्प से अपन इवेंट हैंडलिंग के देखे हैं और किस तरीके से उस डेटा को स्टोर करवाए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। अगर इनकेस आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार मैं बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरा रीच हो सकता है थोड़ा कम हो गया होगा, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको जो भी फीडबैक देना हो जिससे मैं इंप्रूव करने की और कोशिश करूँ। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।